राम राम किसान भाइयों किसान भाइयों आज हम बात करेंगे डेलीगेट इंसेक्टिसाइड के बारे में कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कार्य इसके क्या हैं परफेक्ट डोज क्या है इसका कम्बिनेसन क्या होता है और इसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे कि इस इंसेक्टिसाइड को आपके फ़सलों में डालने से आप इसका भरपूर लाभ ले सकें और आपके कीट नियंत्रण नियंत्रित हो सकें इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों जिसके लिए आप हमारे वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप देखते रहिए किसान भाइयों डिलीगेट इंसेक्टिसाइड डिलीगेट एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है और इसमें स्पाइनोटोरम इस ग्यारह दशमलव सात परसेंट एस फॉर्म में पाया जाता है ये घोल रूप में आता है बीस एम फाइल में भी आता है और 100 एम की फाइल आती है इसके 180 सौ की भी सीसी आती है किसान भाइयों यह ब्रोड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है किसान भाइयों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी दवा होती है मोड ऑफ एक्शन इंजेक्शन एंड कॉन्टैक्ट एक्शन के रूप में यह कार्य करता है किसान भाइयों इसके कार्य करने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है और बहुत ही घातक कीटनाशक होता है इसका जो ट्रांसलेमिना एक्शन होता है किसान भाइयों उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जब दवाइयाँ डाली जाती हैं तो पत्तियों के ऊपर रहती हैं किसान भाइयों लेकिन ये दवा आप पत्तियों के ऊपर डालते हैं और पत्तियों से होते हुए पत्तियों के नीचे चली जाती है जिससे जो कीट इसमें पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं उन पर ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रभावकारी इसके परिणाम होते हैं किसान भाइयों डिली गीड़ दवा ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है ये फल छेदक तना छेदक और सुंडियों को नियंत्रित करता है किसान भाइयों बात करेंगे किन किन फसलों में डाल सकते हैं आप इसको लौकी तरोई कद्दू करेला उसके बाद बैंगन गोभी मिर्च टमाटर फूल में डाल सकते हैं जिनमें कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा ये थ्रिप्स एफिड जैसिड लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है यह फ्रूट बोरर को भी कंट्रोल कर सकता है कैटर पिलर को कंट्रोल कर सकता है यह हापर को भी कंट्रोल करता है किसान भाइयों आपने देखा होगा कि अधिकतर दवाइयां केवल एक ही कीट को मार सकती हैं लेकिन यह एक प्रकार एक ऐसा कीटनाशक है जो लगभग लगभग आठ से दस प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है किसान भाइयों डेलीगेट जो दवा होती है इसका डोज है दशमलव पाँच एम से एक एम प्रति लीटर के हिसाब से अर्थात सौ से एक सौ अस्सी एम प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों आपको जानकारी देना चाहते हैं कि डेलीगेट दवा मकतिया आपने देखा होगा कि बैगन की फसलों में जो फल छेदक व तना छेदक लगते हैं उनको सामान्यतः सामान्य दवाइयों से पेस्टिसाइड से नहीं रोका जा सकता है इंसेक्टिसाइड से नहीं रोका जा सकता है उसके लिए डेलीगेट दवा जिसमें स्पाइनोटोरम ग्यारह दशमलव सात परसेंट एस जो कि घोल के रूप में पाया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है आप एक से डेढ़ एम यदि बैंगन की खेती करते हैं या बैगन की फसल पर इस दवा का प्रयोग करना चाहते हैं किसान भाइयों तो आप इसको डेढ़ से दो एम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें तो आप तना छेदक को बड़ी ही आसानी से अवा फल छेदक को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं इस दवा का प्रभाव बैगन की फसल पर यदि आप डेढ़ से दो एम प्रति लीटर के हिसाब से आप इस दवा का छिड़काव करते हैं तो इस दवा का प्रभाव लगभग दस से बारह दिनों तक बैंगन की फसल पर होगा पुनः आप इसका छिड़काव बारह दिनों के बाद कर सकते हैं किसान भाइयों बैंगन की फसल के फल छेदक व तना छेदक अथवा तुंडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्रभावशाली दवा होती है किसान भाइयों अन्य फसलों पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ इफ़ेक्ट है अर्थात इसका प्रभाव जो है अन्य फसलों पर 10 से 15 दिनों तक होता है किसान भाइयों यदि आप बैगन की फसल लगाते हैं या बैंगन की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आप इस दवा का प्रयोग ज़रूर करें यह दवा थोड़ी महंगी ज़रूर होती है किसान भाइयों लेकिन आपको बार बार सुंडियों व छेदक, फल छेदक से छुटकारा दिला सकती है कि बार बार आपको दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इसको डालना नहीं पड़ेगा किसान भाइयों इसका जो मार्केट प्राइस लगभग इस समय एक हज़ार से एक हज़ार पचास रुपये के आसपास सौ एम की बोतल आपको मिल जाएगी यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें जय जवान जय किसान